अब हम लोग आर्टिकल्स के उस हेड में प्रवेश करेंगे जिसका नाम है डिफरेंसेस बिटवीन द यूसेस ऑफ ए और एन। ए और एन के उपयोग में, प्रयोग में डिफरेंसेस क्या है, और ये बड़ा एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के सामने, चूंकि खास करके एग्जामिनेशंस में वो इससे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ ए हम फील करें और कहाँ एन करें। तो इस पर हम चर्चा बहुत स्पष्ट करेंगे इस बेसिक पैकेज में, और इसमें जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करने की कोशिश होगी। कि देखिए, अमूमन ये है कि अगर कोई शब्द है तो शब्द के पहले, उस नाउन के पहले हम ए और एन लगाएंगे। किसके पहले ए और किसके पहले एन लगेगा, इसकी पृष्ठभूमि में पहले हम चलें। तो देखिए, हम कहते हैं ए बॉय, अ पेन, अ बुक, हाउस, ए मैन, अ वूमन। फिर कहते हैं एन एग, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन आउल। तो ये ए कहीं लगाया मैंने और एन कहीं लगाया मैंने, लेकिन क्या है इसके पीछे नियम, कैसे लगेगा ए और कैसे लगेगा एन, ये जानने वालों के लिए एक समस्या है। इस समस्या के समाधान में दो तीन बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहली बात, अंग्रेजी में जो दो चीजें हैं, लेटर्स हैं जिसकी संख्या 26 है और साउंड है जिसकी संख्या 44 है। तो लेटर से इस नियम का निर्धारण नहीं होगा, जैसे 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं और 5 वोवेल लेटर्स हैं। अगर उस लेटर्स पर आप जाएंगे और उस लेटर्स की मदद से अगर आप इसको सुनिश्चित करना चाहेंगे कि कहाँ ए लगेगा कहाँ आन लगेगा, तो गलतियां होनी हैं। हिंदी में खासियत यह है कि इसके लेटर्स और साउंड में दोनों में समानता है, अंग्रेजी में फर्क है। तो इस फर्क के कारण हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि किस नाउन के पहले या किस शब्द के पहले हम एन लगाएंगे और किसके पहले ए, यह निश्चित करेगा वह शब्द का साउंड, उस शब्द का लेटर नहीं। तो साउंड के बारे में मैंने बताया कि साउंड है 44। इसमें जो 24 साउंड्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा गया है, जो 12 साउंड्स हैं उनको कहा गया है प्योर वोवेल्स, और जो 8 हैं उनको कहा गया है डिफ्थोंग्स। तो ये जो प्योर वोवेल्स की संख्या जो 12 मैंने बताई, वो 12 ऐसे साउंड हैं जो सुनिश्चित करते हैं अगर वो साउंड कहीं उस साउंड से प्रारंभ होता हुआ कोई शब्द है, तो आप समझ लें कि वहां आंख मूंद कर आप लगा सकते हैं एन। कहा ये जो ट्यूवल जो वोवेल साउंड्स हैं, चूंकि देखिए ये फोनेमिक सिंबल्स हैं, अंग्रेजी को तो हिस्सों में बांट दीजिए। एक हमारा है अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम कहते हैं ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग, जो 26 हैं, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये उसी समय की बात है, ये 44 जो हमारे जो डिफरेंट काइंड्स हैं साउंड्स के, ये 44 की भी शिक्षा, इसकी भी पढ़ाई बचपन में ही होनी चाहिए, लेकिन भारत के स्कूलों में दुर्भाग्य से इसकी पढ़ाई नहीं होती और अच्छे स्कूलों में भी नहीं होती। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि साउंड्स की जानकारी बच्चों को नहीं होती। तो होता क्या है, अब जैसे यहाँ यहाँ उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो 12 जो प्योर वोवेल्स हैं या जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच है 44, इसको हम लोग फोनेमिक सिंबल्स कहते हैं, वो अल्फाबेट 26, और ये इसको कहते हैं हम लोग फोनेमिक सिंबल्स।
ये अगर जानकारी है तो इसके जो 12 जो साउंड है प्योर वोवेल्स के, उन साउंड से प्रारंभ होता हुआ कोई भी शब्द अगर अंग्रेजी भाषा का है जहां लगाया जाना है ए और एन, तो वो साउंड अगर वहां है तो आप वहां एन निश्चित लगाएं, अगर वो साउंड नहीं है तो वहां आप ए लगा दें। सीधा और स्पष्ट और कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन वो 12 साउंड की जानकारी आपको अपेक्षित है। उसमें जब तक आप उसको नहीं पढ़े हैं तो उसकी मदद के लिए एक विकल्प मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि हिंदी में लेटर्स और साउंड समान हैं, तो हिंदी के जो वोवेल लेटर्स हैं उनके साउंड भी वही हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं तत्काल। वैसे ये 12 जब फोनेमिक सिंबल्स की पढ़ाई होनी चाहिए इसकी, तो जब होगी जिसको हम चर्चा करेंगे इसके एडवांस पैकेज में, फोनेमिक सिंबल्स की चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन तब तक आप उससे मदद ले सकते हैं कि जो अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः, ये जो हमारे जो साउंड है वोवेल साउंड हिंदी के लेटर साउंड भी, क्योंकि लेटर साउंड दोनों समान है, जो लेटर होता है वही साउंड होता है, तो वहां से आप मदद ले सकते हैं। और इनसे प्रारंभ होने वाला अंग्रेजी का कोई भी शब्द अगर है तो वहां आप बेहिचक एन का प्रयोग करें, बाकी तमाम जगहों पर ए का प्रयोग करें। इस तरह से आपने ये जाना कि कहां हम ए का प्रयोग करेंगे और कहां एन का करेंगे। अब लेटर्स से जो कंफ्यूजन पैदा होता है उसको भी हम यहां चाहेंगे कि आपकी नोटिस में लाएं, और डिफरेंट पैरामीटर्स पर, जैसे ई के पैरामीटर्स पर ई लेटर देखिए, ई ई ई जो है वो आपका वोवेल लेटर है, उसके बाद आप देखिए यू है वो वोवेल लेटर है आपका, फिर ओ है वो भी वोवेल लेटर है, और फिर एच है जो कॉन्सोनेंट लेटर है। अभी 4 के पैरामीटर पर हम कुछ शब्दों को आपके सामने ला के बताएंगे कि अगर आप साउंड पर ना जा करके लेटर पर जाएंगे तो गलती होगी। इसलिए ई से प्रारंभ होने वाला शब्द में कहीं आप देख रहे हैं कि लगेगा ए और कहीं लगेगा एन, क्योंकि साउंड डिफर कर रहा है। फिर आप देखें कि यू से शुरू होने वाला शब्द है, लेकिन उस यू के पहले कहीं लग रहा है ए, क्योंकि वहां साउंड डिफरेंट होगा, और कहीं यू से शुरू होने वाले शब्द के पहले लग रहा है एन, साउंड के डिफरेंस ये डिफरेंस पैदा हो रहा है। फिर उसी आधार पर आप जाएं ओ, ओ भी से शुरू होने वाले शब्द में भी कहीं आप ए लगता हुआ देखेंगे और कहीं आप एन लगता हुआ देखेंगे। एच से हम जो कॉन्सोनेंट लेटर है उससे शुरू होने वाले शब्द में भी कहीं आप ए लगता हुआ पाएंगे और कहीं एन लगता हुआ पाएंगे। तो हम बारी बारी से इन पैरामीटर्स पर रख करके आपको बताना चाहते हैं कि आप कभी भी लेटर पर न जाकर साउंड के द्वारा इस प्रॉब्लम का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे।